जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर हबीब अहमद। आज एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं आपके सामने। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट हाफ का फर्स्ट टाइम का जो आज टेस्ट हुआ है उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं, उसके MCQs देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा अपनी स्क्रीन पर गौर कीजिएगा, आपके पास पेपर एक शो हो रहा होगा, उसी पेपर को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं जी, पहला MCQ है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मेंटेन्ड एट 300 केल्विन एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो इसमें उसने हमसे प्रेशर डिमांड किया है, कहा है कि 1 मोल गैस है, उसकी क्वांटिटी दे दी है, टेम्परेचर 300 केल्विन का है और उसका जो वॉल्यूम है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1/4 लीटर है, यानी 1 dm³ का चौथा हिस्सा। तो ज़रा इसको देखते हैं, हमने आपकी आसानी के लिए ये MCQ हल कर दिया है, जो जवाब आएगा वही उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डाटा है, 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स हैं, टेम्परेचर दिया गया है, वॉल्यूम को हमने dm³ में मतलब रखा हुआ है और R की जो वैल्यू है, R आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.0821 dm³ atm पर केल्विन पर मोल। तो प्रेशर जी हम मालूम करते हैं, वी नो दैट ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT, और हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है प्रेशर nRT/V। तो इनकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 98.5 atm। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी, पहला अल्फा ऑप्शन। तो सेकंड MCQ है जी, द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन लंग्स इज, तो ये है हमारे पास 116 tar एटमोसफियर में 159 होता है, क्योंकि बाहर ज़्यादा प्रेशर होता है हवा का, हवा के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है हमारे काम की वही चीज़ है, हम उसको इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स में प्रेशर उसका कम है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिर वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है जी, द लीस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर इज बीटा ऑप्शन लिक्विड। तो लीस्ट कॉमन का मतलब इसलिए ये लीस्ट कॉमन है क्योंकि ये नैरो रेंज पर एग्जिस्ट करती है टेम्परेचर की। मैं एग्जांपल अगर आपको दे दूं वाटर की, तो वाटर 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड रेंज में होता है, 100 से ऊपर चले जाएं तो ये वेपर्स यानी गैसियस स्टेट में चला जाएगा, जब 0 से नीचे चले जाएँ तो ये फिर सॉलिड यानी आइस की फार्म में चला जाएगा। तो ये नैरो रेंज जो होती है लिक्विड फार्म होती है। द इक्वेशन VT = V0 × 1+T/273 इज़ बेस्ड ऑन, तो ये 4th MCQ है जी, ये बेस करती है एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल, एक ही स्केल के ये दो नाम है, इसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो का यहाँ से हम कंसेप्ट लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा बोथ एल्फा एंड चार्ली। 5th MCQ है जी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। अब जी डिफ्यूजन गैसेज की होती है, ये जो टेम्परेचर उसने दिया है हमें वो 0 केल्विन का है, और जो 0 केल्विन के ऊपर है मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कोई भी गैस गैस नहीं रहती, वो या तो लिक्विड बन चुकी होती है या फिर सॉलिड बन चुकी होती है। तो इसलिए वहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा अगर हम गैस की बात करें। तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो है डेल्टा 0। 6th MCQ है जी, द डेंसिटीज ऑफ गैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन चार्ली ऑप्शन है g/dm³। वो इसलिए कि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बहुत कम मैस आता है गैस, किसी भी गैस का, तो इसलिए हम ऊपर जो मैस है वो ग्राम में रखते हैं और जो उसका वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में रखते हैं। तो इसका चार्ली ऑप्शन आएगा। इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एनी एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाई ऑक्सीजन विल बी। तो लो जी ये हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप MCQ है, तो इसको ज़रा हम हल करके देखते हैं। वो कहते हैं इक्वल मैसेज है, मीथेन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, अब ये मीथेन है ये ऑक्सीजन है, से इनका दोनों का मैसेज है 32। तो 32 ये मीथेन के अगर नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो इसके 2 मोल्स बनते हैं और ऑक्सीजन के जो बनते हैं वो 1 मोल बनते हैं, यानी 2:1 है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है मीथेन का, तो इसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, तो इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 2/3,
मीथेन के हिस्से में आएगा, और ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 होते हैं, और जो टोटल वैसे 2+1=3, तो 1/3 ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ऑक्सीजन। तो इसी मिक्सचर में जो थर्ड पार्ट है प्रेशर का वो ऑक्सीजन, और जो दो हिस्से प्रेशर लगा रही है वो है मीथेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा अल्फा 1/3। 8th MCQ है जी, फॉर अ गैस ओबेइंग चार्ल्स लॉ इफ प्रेशर इज डबल द वॉल्यूम बिकम्स। अब जी चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कहता है जी वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ वो मतलब वेरी करता है, गिवन दैट या प्रोवाइडेड दैट द प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। जब प्रेशर हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, चार्लिस लॉ को अगर हमने ओबे कराना है तो प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। अब प्रेशर जब चेंज होगा और वो उसने कंडीशन भी दे दी है कि वो ओबे कर रही है चार्लिस लॉ को, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर का वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। तो हम क्या इसका ऑप्शन आएगा करेक्ट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 9th MCQ है जी, बॉयर्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इसका जी चार्ली ऑप्शन होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी यही कहती है कि वॉल्यूम जो है प्रेशर के साथ नेगेटिव रिलेशन के साथ वेरी करता है, यानी इनवर्स रिलेशन के साथ वेरी करता है। 10th है जी, द इक्विवेलेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज, तो एब्सोल्यूट जीरो जीरो केल्विन को कहते हैं, और ये बराबर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बीटा, दूसरा ऑप्शन। 11th MCQ है जी, विच पेयर ऑफ गैसेस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब जी डाल्टन्स लॉ क्या है कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अब वो गैसेज हमने यूज़ करनी है, डाल्टन्स लॉ को वो फॉलो करेंगी जो नॉन रिएक्टिंग हों। अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाएं तो समझ लें कि वो फॉलो नहीं करेंगी, हो सकता है कि उनके रिएक्शन से कोई ऐसी चीज़ मिले जो गैस ही ना हो। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी वो होगा चार्ली, NH3 एंड HCl, ये नॉन रिएक्टिंग नहीं है, ये रिएक्टिंग गैसेज है। अब ये जब रिएक्शन आपस में करती हैं तो ये एक कंपाउंड बनाती हैं जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये ज़रा ये जो पेयर है ये ओबे नहीं करता डाल्टन्स लॉ को, बाकी जो तीनों पेयर्स हैं वो ओबे करते हैं क्योंकि वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट है जी, 1 dm³ ऑफ H2 एट STP कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी ज़रा हम हल करके देखते हैं। अब 22.414 dm³, ये एक मोल की बात होती है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10^23। अगर 1 dm³ की बात करें तो ये वाली जो वैल्यू है आकर इधर डिवाइड हो जाएगी, जब डिवाइड करेंगे तो ये आप ये आंसर आएगा 0.268 मल्टीप्लाइड बाय 10^23, और इसका जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.68 मल्टीप्लाइड बाय 10^22 मॉलिक्यूल्स। ओके जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली होगा। अब 13 MCQ है जी, गैसेस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर बिकॉज ऑफ डेल्टा लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, इनकी जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ज़्यादा होती हैं, जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे कंप्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो सकती हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लोज हो सकते हैं, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। तो चार्ली ऑप्शन। अब जी 14th MCQ है, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी। अब इसमें जी हमने देखना है कि PV इज इक्वल टू NRT, हमने वॉल्यूम को देखना है जब प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज कर रहे हैं। अब प्रेशर को वो टेम्परेचर को कहता है कि जी इसको डबल कर दें, 2 times कर दें, और प्रेशर को P/2 यानी हाफ कर दें। जब इसको हाफ करेंगे और इसको डबल करेंगे तो ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 times इंक्रीज होगा, 4 times इंक्रीज होगा। वैसे भी जो भी गैस है, गैस का जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर को हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, और टेम्परेचर को डबल कर दें तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। जब 2 times डबल होगा तो समझ लें कि 4 times ये डबल हो रहा है, यानी कि 4 times ये 4 times आगे बढ़ जाएगा, और इसकी जो इसका जो इंक्रीमेंट होगा वो 4 times होगा। तो
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फा इंक्रीज 4 टाइम्स। 15 है जी व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट सी लेवल। सी लेवल का मतलब 1 atm प्रेशर। सी लेवल के ऊपर जो ये हमारे पास समझ लें कि ये स्टैंडर्ड एक वैल्यू है प्रेशर की, तो इसका जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 degree centigrade भी हो सकता है, 32 फारेनहाइट का भी हो सकता है और 273 केल्विन, यानी ये केल्विन स्केल में भी फारेनहाइट में भी और सेल्सियस स्केल में भी ये तीनों वैल्यूज सेम ही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी ऑल ऑफ दिस। 16 है जी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एट 1 atm प्रेशर इज। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है जी यहाँ पर 100F 212F 180F और डेल्टा आल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो होगा बीटा 212F, यानी फारेनहाइट स्केल पर जो इसकी वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वो है 212। इसके बाद है बच्चे लास्ट MCQ द यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेटेरोलॉजी। तो इसका जो यूनिट है वो है मिलीबार चार्ली ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली तीसरा ऑप्शन। उसका जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं जो माहरीन महकमे मौसमियात होते हैं मेटेरोलॉजी वाले जो होते हैं वो इसको जब प्रेशर एयर प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं मौसमी तब्दीली को चेक करने के लिए जो यूनिट वो यूज़ करते हैं वो होता है जी मिलीबार। तो मिलीबार एक ऐसा यूनिट है जो मेटेरोलॉजी वाले यूज़ करते हैं। इसके बाद हैं बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और वही तरीका आप लोगों ने यूज़ करना है कि कोई भी रीजनिंग वाला सवाल है उसकी स्टेटमेंट हेडिंग के बाद उसकी स्टेटमेंट लिख के प्रॉपर उसकी रीज़न या जस्टिफिकेशन की आपने हेडिंग देनी है। इसके बाद हमारे पास जो हमारी इस साल की पेयरिंग स्कीम है उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 3 से, तो इसलिए हमने भी आपके को 2 न्यूमेरिकल ही दे दी हैं, उनको आपने प्रॉपर फार्मूला के ज़रिए से हल करना है। पहले आपने गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद वो चीज़ आपने लिखनी है जो आपने फाइंड करनी है, जो उसने आपसे डिमांड की हुई है कि हमने जी आपको ये चीज़ दे दी है और ये वाली चीज़ें आपने मालूम करनी है, और उसके बाद आपने प्रॉपर फार्मूला प्रॉपर कैलकुलेशन के ज़रिए आगे जाना है और आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।